मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर सरकार मेहरबान है, इसलिए यहां लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के जो आंकड़े जारी हुए हैं वह चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की तुलना में 2021 में भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के पकड़े जाने मामले जो है वो 65% तक बढ़ गए हैं और 200 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे साल में एक भी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे नहीं गया। वहीं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों में भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारी भी जेल की हवा खा चुके हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए पूरे देश में एक ही कानून है, लेकिन मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश न कर लोकायुक्त पुलिस और EOW आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अधिकारी खुद ही इन्हें नोटिस थमा कर छोड़ देते हैं। नतीजे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं और जेल नहीं भेजे जाते हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है।